हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएफएससी फिशरीज ऑनलाइन क्लासेस। सिंस वी हैव ऑल कंप्लीटेड टिल मॉर्फोलॉजी इन मीन्स लाइक टैक्सोनॉमी ऑन फिन फिश, वी हैव कंप्लीटेड टिल मॉर्फोलॉजी ऑफ फिन फिश। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी पार्ट, दैट इज अबाउट द फिन्स ऑफ द फिशेस। सो लेट्स बिगिन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज इन इक्टियोटैक्सोनॉमी। वेलकम बैक टू बी एफ एस सी फिशरीज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। नाउ लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द बॉडी ऑफ द फिशेज। द बॉडी ऑफ द फिश कैरीज द पेयर्ड फिन्स एंड द अनपेयर्ड फिन्स, द स्केल्स एंड द लेटरल लाइन। सो लेट मी ड्रॉ समथिंग। सी लाइक वी हैव टॉक राइट नाउ टिल दैट दे हैव मतलब फिश में लेटरल लाइन होती है, उसके बाद से फिर उसका कॉडल फिन है, उसके बाद फिर डॉर्सल एनल फिन और ये पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन्स होते हैं। तो यहाँ पे बात आज हम लोग करेंगे सारे फिन्स की, जैसे पेक्टोरल फिन जो पेयर्ड फिन्स में आते हैं, पेल्विक फिन पेयर्ड है, और अनपेयर्ड में आएंगे कॉडल फिन एनल फिन ये सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पेक्टोरल फिन एंड द पेल्विक फिन। दीज आर पेयर्ड फिन। पेयर्ड फिन्स का मतलब है कि ये हमेशा पेयर में होंगे, मतलब ये एक फिन्स नहीं होंगे। पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन दो होते हैं फिन्स फिशेज में। जो अनपेयर्ड फिन्स हैं वो है कॉडल फिन, मतलब कॉडल फिन सिर्फ एक ही होगा, सिंगल होगा, दो पेयर में नहीं होता। पर इसमें एक्सेप्शन भी है, हो सकता है किसी किसी फिश में दो भी हों, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले बात करते हैं फिन्स की। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये शार्क है और ये यहाँ पर कोई बोनी फिश है। तो यहाँ पे जो फिन्स दिखाए हुए हैं, कोई फिन्स ऐसे फ्लिपर होते हैं, मतलब एक सिंगल होंगे, ठीक है, और कुछ फिन्स वेब्ड टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में शो किया गया है बोनी फिशेस में वेब्ड है, जैसे ऐसे ऐसे सेरेटेड जैसे। तो ये हुआ बोनी फिश और ये हुआ शार्क। ये फिन्स के टाइप को बताया गया है कि बहुत सारे फिन्स जो होते हैं फ्लिपर शेप के होते हैं और बहुत सारे वेब्ड भी होते हैं। तो पहले जो पेयर्ड फिन्स की बात की जा रही थी, तो ये पेक्टोरल फिन है, फिगर में शो किया हुआ है पेक्टोरल फिन्स। और यहाँ पे शो किया है कि पेक्टोरल फिन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और वो किस किस फिशेस में कैसे कहाँ पे सिचुएटेड है वो बताया हुआ है। तो पेल्विक फिन्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल मतलब वो इंसर्ट होते हैं लेटरली, मतलब वो लेटरली प्रेजेंट है सम फिशेस में। यहाँ पे पेक्टोरल फिन्स होता है और कुछ फिशेस में हॉरिजॉन्टली भी होते हैं और इवन अबव द वेंट्रल प्रोफाइल, जैसे पर्च में, गोबीज में ये सारे। और हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होते हैं जैसे साइलोरैंकिडी और सम होमेलोपिटरिड्स में, ऐसे में होते हैं पेक्टोरल फिन। जो फिन्स पेक्टोरल फिन हैं वो रेस शेप के भी हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, या ब्रांच हो सकते हैं। ब्रांच होते हैं और कैट फिशेस में भी एंड इन कैट फिशेस पेक्टोरल स्पाइन होता है, स्पाइन के जैसे होते हैं। तो ये है डॉर्सल पार्ट। फिगर में दिखाया हुआ है कि डॉर्सल पार्ट कहाँ है, वेंट्रल पार्ट कहाँ है और लेटरल पार्ट क्या होता है। लेटरल मतलब यहाँ पे, तो ये लेटरल पार्ट में यहाँ पे पेक्टोरल फिन प्रेजेंट है। पेक्टोरल फिन लेटरल पार्ट में सिचुएटेड होता है, जैसे कि यहाँ फिगर आपको पहले भी बताया था, लेटरल पार्ट में होता है ये पेक्टोरल फिन, ठीक है। फिर यहाँ पे पेक्टोरल फिन है। अब बात करते हैं पेल्विक फिन। पेल्विक फिन को एनल फिन भी कहते हैं, ठीक है। ये इंसर्ट जैसे कि देखिए हम लोग कि पेक्टोरल फिन यहाँ सिचुएटेड है, मतलब कि लेटरल पार्ट में, और एनल फिन जो है ये डॉर्सल पार्ट हुआ और ये हुआ वेंट्रल पार्ट नीचे में। तो यहाँ पे जो फिगर में बताया था एनल फिन, यहाँ पे एनल फिन यहाँ पे सिचुएटेड है वेंट्रल पार्ट में। तो ये जो पेल्विक फिन है वो वेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड है,
इसलिए इसको वेंट्रल फिन भी कहते हैं या फिर एनल फिन, हाँ वेंट्रल फिन भी कहते हैं। और ये जहाँ का वहाँ प्लेस होता है विद अ डिस्टेंस इन बिटवीन, मतलब मान लीजिए कि पेल्विक फिन अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, फिगर में दिखाया हुआ, सॉरी ये है पेल्विक फिन, ये एनल फिन है, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, ये एनल फिन है और ये पेल्विक फिन है। तो पेल्विक फिन जैसे कि यहाँ प्रेजेंट है पेल्विक फिन, तो फिर ये या तो सिंगली प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वो जॉइंटेड हो सकते हैं। जॉइंटेड मतलब ऐसे दो दो फिन मिलके एक बनाएंगे, तो वो हुआ कि यूनाइटेड, जैसे गोबीडी में यूनाइटेड हो सकता है, कप शेप के भी हो सकते हैं, जैसे साइकोपिटेरस में वो कप शेप के होंगे। फिन्स, पेल्विक फिन एब्सेंट होते हैं, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे ईल्स में, मास्टासेम्बलिंडी में, मतलब जिसमें मास्टासेम्बलिस, पुनकेलिस ये सब आते हैं, वो सारे पफर फिश में पेल्विक फिन एब्सेंट होते हैं। यहाँ हम जो पहले बताए थे वो गलती हो गया था, यहाँ पे ये एक वेंट्रल फिन भी इसको कहते हैं, वो हम पहले हम एनल फिन बोल दिए थे। इन पर्चेस द फिन्स व्हेन प्रेजेंट में बी थोरासिक और जोग्यूलर इन पोजिशन। तो यहाँ बात आती है कि जोग्यूलर इन पोजिशन का क्या मतलब है। तो ये देखिए पीछे यहाँ पे दिखाया हुआ है जॉग्यूलर इन पोजिशन क्या है, एब्डोमिनल क्या है, सब मतलब ये एब्डोमिन के अगर पास में एनल फिन हो तो उसको हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल। एब्डोमिनल के जस्ट ऊपर अगर हो तो सब एब्डोमिनल पोजिशन है। ये थोरासिक पोजिशन में एनल फिन सिचुएटेड है, कुछ जॉग्यूलर पोजिशन में सिचुएटेड है। जब थोरासिक मतलब ये जो पेल्विक फिन है वो चिन या फिर आई के नीचे होगा, ये आई है और ये आई के नीचे है, तो हम लोग उसको कहते हैं जॉग्यूलर पोजिशन या चिन के पास में, तो हम लोग उसको कहेंगे जॉग्यूलर। अब बात आती है कि अनपेयर्ड फिन्स क्या होता है। तो अनपेयर्ड फिन्स में आते हैं डॉर्सल फिन, एनल फिन, कॉडल फिन, ये सारे सिंगल होते हैं, मतलब पेयर्ड में नहीं होते। डॉर्सल फिन जैसे कि फिगर में शो है, ये यूनाइटेड भी है, मतलब सीरेटेड जैसे सेकंड और थर्ड, मतलब तीन तरह के डॉर्सल फिन हैं, देख सकते हैं फिगर में। इसका मेन काम होता है जब शार्प टर्न फिश लेती हैं तो उसके लिए, मतलब ये बहुत यूज़फुल फिन है, मतलब शार्प टर्न के लिए। और अगर मान लीजिए उनको रुकना हो कहीं पर तो फिर, और ये फिश को रोलिंग के समय भी हेल्प करता है, जब फिश को रोल करना हो ऐसे कंडीशन में तो फिर उसके लिए भी डॉर्सल फिन हेल्पफुल है। अब आती है एंगलर फिन। कुछ फिन्स मतलब डॉर्सल फिन में मॉडिफिकेशन हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिखाया हुआ है एंगलर फिन में, जिसमें डॉर्सल फिन का मॉडिफिकेशन होकर वो इस शेप में बन गए हैं, मतलब जैसे हुक के जैसे। तो इसको हम लोग, ये फिश है एंगलर फिश जिसमें डॉर्सल फिन का मॉडिफिकेशन दिखाया हुआ है। अब बात आती है कि डॉर्सल फिन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो पहले जो टाइप है वो है स्पाइन डॉर्सल फिन, जिसमें स्पाइंस के जैसे डॉर्सल फिन हो। दूसरी बात होती है ट्रिगर, मतलब एकदम ट्रिगर शेप का है, वैसा कुछ नुकीला जैसा। फिर सिंगल यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे सरेटेड जैसे, वो यूनाइटेड है एक दूसरे में। फिर स्प्लिट है, मतलब ये देखिए फिगर में वो स्प्लिट हुए हुए हैं। और कुछ होते हैं ट्रेलिंग डॉर्सल फिन। अब आ जाती है कॉडल फिन की। तो कॉडल फिन यहाँ पे सिचुएटेड है पीछे में, जब कॉडल फिन पीछे में कॉडल पेडंकल में वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं कॉडल फिन। तो ये जस्ट एनल फिन के बाद होता है, ठीक है, यहाँ पे एनल फिन है और इसके बाद कॉडल फिन होते हैं। तो ये इसका हेल्प क्या होता है कि प्रोपेलर या रडार के जैसा हेल्पफुल होता है कि कॉडल फिन बैक साइड में सिचुएटेड होगा। और इसका शेप दिखाया हुआ है फिगर में, वो पॉइंटेड हो सकता है या पॉइंटेड कॉडल के जैसा हो सकता है या राउंड कॉडल हो सकता है, ट्रंकेट शेप में हो सकता है, इमार्जिनेट हो सकता है, फोक्ड हो
सकता है, फोर्क्ड मतलब फोर्क शेप का, ऐसा मतलब वो फोर्क के जैसा निकला रहेगा। फिर ल्यूनिएट हो सकता है, ल्यूनिएट यहाँ पे चांद के जैसा दिखाया हुआ है। और फिर हेट्रो सर्कल कॉडल हो सकता है। तो ये हुआ डॉर्सल फिन। अब बात आती है एनल फिन की। एनल फिन या तो मतलब यहाँ पे कॉडल फिन के पास में यहाँ एनल फिन था, तो एनल फिन ऐसे सिंगली प्रेजेंट हो सकता है, या फिर किसी किसी फिश में एनल फिन और कॉडल फिन जॉइंटेड हो जाते हैं, जैसे कि नाइफ फिश में यहाँ दिखाया हुआ है, और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मतलब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। तो ये नाइफ फिश में ऐसा देखा जाता है कि एनल फिन कॉडल फिन के साथ जुड़ जाते हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड है, जैसे कि फिगर में पहले बताया था ये डॉर्सल पोजिशन है और ये वेंट्रल पोजिशन है। तो एनल फिन हमेशा वेंट्रल पोजिशन में एनस के पीछे प्रेजेंट होते हैं। सो फिर यहाँ पे कुछ वो है क्या, यहाँ पे कुछ एनल फिन में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं वो सारे बताए हुए हैं। एक्सेप्शन केस कि एक्सेप्शन क्या क्या है इसके, अगर मोर देन वन एनल फिन होगा, जैसे कॉड्स में एनल फिन बहुत ज़्यादा हो गया, एक दो ऐसा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉड्स में ऐसा होता है, मोर देन वन एनल फिन हो सकते हैं। स्केट्स और रेज में एनल फिन होता ही नहीं है, मतलब उनमें एक्सेप्शन है कि एनल फिन नहीं होता। एनल फिन किसी किसी फैमिली में जैसे पोइसिलीडी में कॉपुलेशन के लिए वो गोनोपोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, गोनोपोडियम कॉपुलेशन के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोनोपोडियम में ये JRF में मेनली पूछा जाता है। सो ये है बात कि पोइसिलीडी फैमिली में एनल फिन का मॉडिफिकेशन हो जाता है गोनोपोडियम में, और ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि लास्ट में एडिपोस फिन होता है। तो अभी तक हम लोग देखें कि पेयर्ड फिन और अनपेयर्ड फिन क्या क्या है। तो पेयर्ड फिन में हम लोग देखें कि पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन आते हैं, जिसमें पेल्विक फिन को वेंट्रल फिन भी कहा जाता है। फिर हम लोग देखें कि अनपेयर्ड फिन में कॉडल फिन देखें, फिर एनल फिन देखें, और अब है एडिपोस फिन। तो एडिपोस फिन क्या है, ये क्या होता है कि किसी किसी फिश में ये एडिपोस फिन देखा जाता है, जैसे कैट फिश में ये डॉर्सल फिन ऊपर में जो होता है उसके पास में होता है, मतलब पीछे होगा एडिपोस फिन, ठीक है। ये एनल फिन है, और ये कॉडल फिन कॉडल पेडंकल के पास में, और ये पेक्टोरल फिन है यहाँ पे, ओके, और है एडिपोस फिन के बाद। तो कैट फिशेस में ये मेनली दिखता है। इसका मेन इसका ये है कि मतलब एनल फिन का वर्क उतना पता तो नहीं है, मतलब ऐसा माना जाता है कि इसका रिस्पांस मतलब ये मेनली टच साउंड या चेंजेस इन प्रेशर को फिश में डिटेक्ट करता है। तो इसके लिए इसका हेल्प होता है, मतलब टच में अगर साउंड या फिर चेंजेस इन प्रेशर ऐसा कुछ हो, फील हो, तो वो एनल एडिपोस फिन के साथ में फिश को पता चलता है, ठीक है। अब लास्ट में आती है बात कि फिनलेट्स या स्क्यूट्स क्या क्या होते हैं। जो फास्ट स्विमिंग फिशेस होती हैं जैसे टूना, उसमें क्या होता है ना कि एनल फिन और कॉडल फिन के बीच में बहुत सारे फिनलेट छोटे छोटे फिन्स होंगे या स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली फास्ट स्विमिंग फिशेस जैसे टूना में होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है स्पीड के लिए, मतलब स्पीड प्रोवाइड करता है उन फिशेस में, और इसके यूज़ से फिश वाटर को कट करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये होते हैं स्क्यूट्स या फिनलेट्स। तो आज हम लोग सब ये बात किए कि मॉर्फोलॉजी के दूसरे पार्ट में हम लोगों ने फिन्स की बात की, मतलब डॉर्सल फिन क्या है, फिर हम लोगों ने सबसे पहले पेयर्ड फिन और अनपेयर्ड फिन की बात की, फिन्स मेनली क्यों यूज़ होता है वो देखे, और साथ में देखे एडिपोस फिन्स क्या हैं और फिनलेट्स और स्क्यूट्स क्या हैं। सो आज के लिए इतना ही था, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्केल्स के टाइप्स को देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।